इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर के छत्रपुरा थाना क्षेत्र में स्थित एक स्कूल में पिछले दिनों परीक्षा देकर बाहर निकल रहे छात्रों छात्राओं के साथ कुछ बदमाशों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें बताया गया था कि छात्रों को चाकू मारे गए हैं। पूरे मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 8 आरोपी नाबालिग है। वही बताया जा रहा है कि उन्होंने दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। जानकारी देते हुए छत्रपुरा ACP हेमंत चौहान ने बताया कि 26 फरवरी को दोपहर में महेश्वरी स्कूल से कुछ छात्र छात्राएं थाने पर पहुंचे थे, जो घायल थे, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ 3 बाइक सवार बदमाश आए और उन पर हमला कर दिया और उनके साथ बेल्ट व अन्य वस्तुओं से मारपीट की। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। वहीं 250 से अधिक CCTV कैमरे खंगालने के बाद पुलिस के हाथ बदमाशों के CCTV फुटेज हाथ लगे, जिसके आधार पर पुलिस ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वह भी 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, जिन्होंने अपनी दहशत फैलाने के लिए इस तरह का प्लान तैयार किया था और प्लानिंग के तहत बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने के बाद यह महेश्वरी स्कूल पहुंचे थे और वहां पर छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों में 8 आरोपी नाबालिग है, वहीं 10वीं क्लास के छात्र है और वहीं 2 बालिक आरोपी 12वीं कक्षा के छात्र है। पूछताछ में बालिक आरोपियों ने अपना नाम मयंक उर्फ बाबू देवर और अश्विन पिता कैलाश बताया है, जो बड़ा गणपति क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 3 दोपहिया वाहन और घटना में प्रयुक्त बेल्ट और लोहे का कड़ा, जिससे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था और छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की थी, उसे जब्त कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिनांक 26 फरवरी को छत्रपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेश्वरी स्कूल के कुछ बच्चे थाने पे आए थे। उनके द्वारा बताया गया था कि जब वो 10th की एग्जाम के बाद में जब स्कूल से बाहर निकले, तो कुछ बाइक सवार बच्चे आए थे उनके द्वारा उनसे मारपीट की गई, बेल्ट से, कड़े से और चैन से, जैसे पैड बांधते हैं, उस चैन से मारपीट की गई और वो मारपीट करके वहाँ से निकल गया। अज्ञात बच्चे थे, उनके द्वारा जब FIR करवाया गया, FIR के बाद में चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसमें स्कूली बच्चों से संबंधित था और मीडिया में भी काफ़ी इसमें प्रचारित प्रसारित भी हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आई थी। इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया थाना प्रभारी छत्रपुरा के नेतृत्व में और टीम के द्वारा लगभग इसमें 250 से 300 हमने CCTV फुटेजेस खंगाले 3 दिनों में। इसके अलावा हमने विभिन्न तकनीकी और मुखबिरी तंत्र को भी अपने एक्टिव किए और इसमें जो कुल 10 आरोपी इसमें हमको मिले हैं और 3 बाइक हमने जब्त किए। 10 आरोपियों में 8 जो हैं नाबालिग हैं और 2 बालिग इसमें मिले हैं। जो मुख्य अभियुक्त इसमें है वो नाबालिग। इसमें जो पूछताछ में जो शामिल आया है कि ये जो बच्चे थे, ये लोग भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स ही हैं जो आरोपी हैं। ये भी अपने एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर के निकले थे और सिर्फ मौज मस्ती के लिए निकले थे और मौज मस्ती और रंगदारी के लिए कि चलो किसी को दिखाते हैं हम क्या हैं, इस टाइप की जो भावना रहती है उस चीज़ को लेकर के इन्होंने ये वारदात घटित की। क्या फरियादी पहले से जानते थे आरोपियों को? नहीं नहीं, फरियादी बिल्कुल नहीं जानते थे आरोपियों को। इसमें ये आलोक सडन ये इनके सामने से निकले और इनके मन में फितूर आया और फितूर के तहत इन्होंने इस टाइप की घटना को। बालिक इसमें 2 बालिक नयंक बालिकों के नाम है, नयंक उर्फ बाबू पिता दीपक देवरे हैं और अश्विन पिता कैलाश जसवाले बालिक हैं। बाकी जो मुख्य अभियुक्त इसमें जो आए हैं जिन्होंने मारपीट की थी, वो सभी नाबालिग हैं। ये चूंकि नाबालिग हैं, ये भी 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, जो बालिग हैं वो भी 12वीं कक्षा के बच्चे हैं। सर कुछ ऐसा सामने आया पहले कुछ? नहीं नहीं, इसमें चूंकि हमने सभी जो फरियादी थे, फरियादी पक्ष में जो बच्चे हैं, उनसे भी हमने उनके घर पे जाके सिविल ड्रेस में प्रॉपर जाकर के उनसे पूछताछ की है एक अच्छे कंफर्टेबल वातावरण में। उन्होंने कोई भी घटना से, कोई भी पूर्व जान पहचान से मना किया उन्होंने और जो आरोपियों से भी बातचीत की, तो आरोपियों से और फरियादियों की पहले से कोई पहचान नहीं है इसमें और इन्होंने आलोक सडन इस घटना को अंजाम दिया। इसमें 3 बाइक्स हमने जब्त की, एक पल्सर गाड़ी है, एक स्प्लेंडर है और एक एक्टिवा गाड़ी है और इसके अलावा स्कूटी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, और इसके अलावा घटना में प्रयुक्त जो चैन है वो जब्त की है, बेल्ट जब्त किया है। इसमें ना ना ना, इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं आई। बाद में फरियादी पक्ष और सभी बच्चों से भी विस्तृत प्रतिपत्र पूछताछ की गई, लेकिन इस प्रकार का कोई तथ्य नहीं बताया गया। इसमें फरियादी भी बच्चे हैं, है ना, फरियादी भी महेश्वरी स्कूल के बच्चे हैं। We'll be right back.